एक भी मुस्लिम एक्टर नहीं था या बहुत बड़े नामी हस्ती हो, वो भी एपीजे नहीं अब्दुल था। कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, तो क्या आज वो इनवाइटेड नहीं होते इन केस ऑफ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल रमोला व्लॉग्स वंस अगेन। तो आज है 22 जनवरी एंड डेफिनेटली पूरे दुनिया को पता है यार, आज है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ राम मंदिर अयोध्या। तो ये सिर्फ अयोध्या में नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें वहीं जाना था। आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ गुड़गांव में, एंड मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे भी लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आया हूँ अपने ऑफिस से सीधे घर, और भाई जैसे ही मैंने अभी देखा ना, मेरा ब्लॉग शूट करने का कोई मन नहीं था, बट जिस तरीके से यहाँ पे दिवाली जैसा माहौल हो रखा है, लग रहा है भाई कि हाँ। सो गाइस आप देख सकते हैं सामने घरों में लाइट्स लोगों ने मतलब जला रखी हैं। आप देखो मेरी गली में पूरे नीचे तक दिए जले हुए हैं। ये सामने देखो मैडम, आज दीपावली जैसा ही माहौल हो रखा है। सामने पटाखे फोड़ रहे हैं लोग। भाई साहब मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ, सामने रॉकेट भी जा रहा है, देख लो भाई साहब। इधर की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है दिवाली वाला मौसम फिर से हो गया है भाई। काफ़ी मतलब अच्छा माहौल हो रखा है, पटाखे की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है, लोगों ने अपने घरों में दिए भी जला रखे हैं। नीचे देखो हमारे लैंडलॉर्ड ने भी दिए जला रखे हैं, और पूरी बिल्डिंग में मतलब हर जगह दिए जले हुए हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं पूरा दिवाली वाला मौसम है। जय श्री राम। तो आज लग रहा है भाई कि हाँ फिर से दिवाली वापस आ गई है, राम जी सच में अयोध्या वापस आ गए हैं। इधर भी काफी अच्छी लाइटिंग वगैरह कर रखी है लोगों ने। सामने टावर्स में इस बार थोड़ा सा मतलब लाइटिंग कम है, नहीं तो या मौसम ही ऐसा है यहाँ पे, आज पोल्यूशन ही गुड़गांव में इतना है कि क्या बताएं। भाई ये सामने वाले तो रुकी नहीं रहे, रॉकेट पे रॉकेट, रॉकेट पे रॉकेट जलाया जा रहा है। अभी मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, हमारे जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं वहाँ पे भी लोगों ने दिए लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्साह से पटाखे वटाखे जला रहे हैं, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ये, पटाखे जला रहे हैं। देखो आप देख सकते हैं बस फूट नहीं रहे इनके पटाखे भाई। तो जैसा मौसम हो रहा है मैंने भी सोचा यार चलो यार बाहर आए थोड़ा सा इंजॉय करें, लोग मतलब इंजॉय कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा कर लें। सो गाइज फाइनली मैंने तैयार कर लिया अपना ये विश लैम्प एंड पटाखे मुझे मिल गए फाइनली, एक अरमाली में पड़े हुए थे पिछली बार के दिवाली के, अब जितने भी हैं यही हैं, और इनसे हम मनाएंगे आज राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी का उत्सव गुड़गांव में। ऑलराइट गाइस, सो मैं फाइनली रूम में वापस आ गया हूँ। तो गाइस फिर से एक बार सभी सनातन धर्म वालों को, हिंदू या हिंदुस्तानी या पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल राहुल रमोला व्लॉग्स की तरफ से। बस एक चीज था, एक डाउट था मेरा पॉलिटिकल एंगल, मतलब देखा मतलब आई डोंट नो इट्स ट्रूथ और या लोग ऐसी स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब एक चीज है, एक लिस्ट जा रही थी जिसमें बोल रहे थे गेस्ट लिस्ट है, गेस्ट लिस्ट है, गेस्ट लिस्ट है। तो मैं भी बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स पे ऑफिस में रिसर्च कर रहा था, आई गॉट टू नो देयर आर मल्टीपल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली। आई एम शॉक्ड एक भी मुस्लिम एक्टर नहीं था या बहुत बड़े नामी हस्ती हो, वो भी नहीं था। जस्ट मेरे दिमाग में ये ख्याल आया इज इट करेक्ट, एक पॉलिटिकल एंगल से भी मैं देखूँ तो इट्स आई डोंट थिंक सो इट्स करेक्ट। मतलब राम तो सबके है ना भाई, जैसे हर धर्म में ऐसा कुछ उसमें पॉलिटिकल एंगल होना नहीं चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, तो क्या आज वो इनवाइटेड नहीं होते इन केस ऑफ दिस बिग क्या बोलते हैं ओपनिंग सेरेमनी ऑफ राम मंदिर। अगर आज वो ऑब्वियसली प्रेजिडेंट होते तो क्या वो वहाँ नहीं होते? आई एम जस्ट शॉक्ड, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग, बट हाँ एक ओपिनियन था मेरा जो मेरे को डिस्क्लोज करना था। मे बी आई एम नॉट करेक्ट बिकॉज मैंने तो दो चार वेबसाइट्स देखी हैं, तो अगर ऐसा ही है तो आई डोंट थिंक सो इट्स राइट, क्योंकि मतलब ये सभी के लिए है। मैंने बहुत सारी रील्स वीडियोस देखे जहाँ पे बोथ रिलीजन्स सपोर्टिंग फॉर दिस बिग ओपनिंग सेरेमनी। ये इन्विटेशन वाला ना थोड़ा सा लगा कि अगर ये ऐसा है तो शायद नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है अभी बहुत लंबा हो गया है, अभी कैसे चलते हैं गाइस। बाय, टेक केयर। जिसने पहली बार देखी है वीडियो मेरी तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई टेंशन नहीं है। वीडियो चले तो चले, नहीं चले तो कोई बात नहीं, अपन बनाते रहेंगे।